जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास टेंथ के इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट बुक का पोएट्री सेक्शन का पोयम नंबर थर्ड है, अ टाइगर इन द जू बाय लैस्ली नॉरिस। इसका आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन करेंगे और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका शॉर्ट आंसर और उसके नेक्स्ट वाले वीडियोज में आपका इसका लॉन्ग आंसर मिलेगा विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। जैसा कि इसका फर्स्ट नंबर स्टेंजा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन। रीड द फॉलोइंग स्टेंजास एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। इसमें फर्स्ट नंबर स्टेंजा है, ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। इस स्टेंजा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हु वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में कौन टहल रहा था। तो इसका आंसर होगा, टाइगर वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, यानी बाघ जंगल में टहल रहा था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड टाइगर सीम बट रिमेन क्विट, यानी चीता कैसा प्रतीत हो रहा था किंतु शांत था। तो इसका आंसर होगा, टाइगर सीम्स टू बी एंग्री बट रिमेन्स क्विट, यानी बाघ गुस्से में किंतु शांत प्रतीत होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अ केज, यानी इनमें से कौन पिंजरे में है। ए ऑप्शन है टाइगर यानी चीता बाघ, बी ऑप्शन है डॉग, सी ऑप्शन है बियर और डी ऑप्शन है हॉर्स। तो इसका सही ऑप्शन है ए, टाइगर यानी बाघ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ स्ट्राइप्स वर देयर ऑन टाइगर्स बॉडी, यानी चीते के शरीर पे कैसी धारियां हैं। तो इसका आंसर होगा, द स्ट्राइप्स ऑन टाइगर्स बॉडी आर वेरी ब्राइट, यानी बाघ के शरीर पर बनी धारियां बहुत चमकीली हैं। इसमें सेकेंड नंबर स्टेंजा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इन दिस स्टेंजा अबाउट विच टाइगर इज द पोएट टॉकिंग, यानी इस स्टेंजा में कवि किस चीजें चीते के बारे में बात कर रहा है। तो इसका आंसर होगा, इन दिस स्टेंजा द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द फॉरेस्ट टाइगर, यानी इस स्टेंजा में कवि जंगल के बाघ के विषय में बात कर रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड द टाइगर वेट फॉर हिज प्रे, यानी चीता अपने शिकार के लिए कहाँ इंतजार करता था। तो इसका आंसर होगा, टाइगर इज वेटिंग फॉर हिज प्रे नियर वाटर होल, यानी बाघ जलाशय के पास अपने शिकार की प्रतीक्षा करता है। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु इज ही इन दिस स्टेंजा, यानी इस स्टेंजा में वह कौन है। तो इसका आंसर होगा, ही रेफर्स टू द टाइगर इन द स्टेंजा, इस स्टेंजा में वह बाघ के लिए संबंध प्रदर्शित करता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच इज रिलेटेड टू मूविंग क्विटली इन फॉलोइंग, यानी इनमें से कौन शांति से चलने के लिए संबंधित है। ए ऑप्शन है लर्किंग, बी ऑप्शन है प्लम, सी ऑप्शन है पास और डी ऑप्शन है स्लाइडिंग। तो इसका सही ऑप्शन है डी, स्लाइडिंग यानी फिसलना। थ्री नंबर स्टेंजा है, ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द टाइगर इज स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एडेस इज ट्रू और फॉल्स, यानी चीता चिड़चिड़ाहट के साथ जंगल के किनारों पर बसे हुए घरों के पास से गुजरता है, सत्य है या असत्य है। इसका आंसर होगा ट्रू यानी सत्य है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु इज टेरोराइज्ड बाय द टाइगर्स, यानी चीते के द्वारा कौन आतंकित है। तो इसका आंसर होगा, द विलेजर्स आर टेरोराइज्ड बाय द टाइगर, यानी गांव वाले बाघ से आतंकित थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु इज पोएट ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू, यानी टाइगर इन द जू कविता के कवि कौन है। तो इसका आंसर होगा, द पोएट ऑफ द पोएम इज लैस्ली नॉरिस, यानी कविता के कवि लैस्ली नॉरिस हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टाइगर शो द विलेजर्स, यानी चीता गांव वाले को क्या दिखाता है। तो इसका आंसर होगा, टाइगर शोस विलेजर्स हिज क्लास एंड फैंग्स, यानी बाघ गांव वालों को अपने दांत और पंजे दिखाता है। फोर्थ नंबर स्टेंजा है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द टाइगर वॉज इग्नोरिंग द विजिटर्स, यानी बाघ आगंतुकों को अनदेखा कर रहा था, सत्य है या असत्य है। तो इसका आंसर होगा ट्रू यानी ये सत्य है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु वॉज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, यानी कंक्रीट की कोठरी में कौन बंद था। तो इसका आंसर होगा, टाइगर इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, यानी बाघ कंक्रीट की कोठरी में बंद है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, वेयर वाज द टाइगर फ्री, यानी बाघ कहाँ आजाद था। तो इसका आंसर होगा, द टाइगर वाज फ्री इन द फॉरेस्ट, यानी बाघ जंगल में आजाद था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, नेम द पोयम ऑफ द स्टेंजा, यानी इस पद के कविता का नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा, अ टाइगर इन द जू, यानी इस कविता का जो नाम है वो अ टाइगर इन द जू है।
इसमें फाइव नंबर स्टेंजा ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है द टाइगर डज नॉट हियर द लास्ट वॉइस ऑफ द कार्स एट नाइट, ट्रू और फॉल्स, यानी बाघ रात में अंतिम कार की ध्वनि को नहीं सुनता है, सत्य है या असत्य है? तो इसका आंसर होगा फॉल्स, यानी ये गलत है। इसमें नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड गिवेन इन द ब्रैकेट्स। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है द टाइगर गेजेस एट विथ हिज शाइनिंग आईज स्टार्स और प्यूपिल, यानी बाघ अपनी चमकीली आंखों से को घूरता है, यानी तारों को कि लोगों को। तो इसका आंसर होगा स्टार्स, यानी तारों को। थर्ड नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉनिटरिंग द टाइगर एट नाइट, यानी इनमें से कौन बाघ की रात में निगरानी कर रहा है? ए ऑप्शन है पुलिस, बी ऑप्शन है कार्स, सी ऑप्शन है जीप्स और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है कार्स, यानी कारें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इन द स्टेंजा द राइम स्कीम इज, इस स्टेंजा में कविता की योजना है। ए ऑप्शन है ए बी ए बी, बी ऑप्शन है ए बी बी सी, सी ऑप्शन है ए बी सी डी और डी ऑप्शन है ए सी ए बी। तो इसका सही आंसर होगा ए बी सी बी। तो आई होप ये आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।